विश्व के उदय से स्त्री के श्रृंगार से संपन्नता को जोड़ा जाता है, जिसकी उपमा अलौकिक है। जिंदगी के पड़ावों में शादी का एक विशेष महत्व है और उसी में अलौकिक होता है दुल्हन का श्रृंगार, जिसको संज्ञान में लेते हुए अंतर्राष्ट्रीय मेकअप आर्टिस्ट मेघा कपूर के तत्वावधान से ब्राइडल मेकअप कॉन्टेस्ट का एक दिवसीय लुक एंड लर्न वर्कशॉप का आयोजन किया गया था। इस वक्त काफी नामचीन मॉडल्स ने इस कार्यक्रम में शिरकत की। इस कार्यक्रम के उद्घाटन के दौरान बीटीपी और बीसीएन ग्रुप के संस्थापक सिराज शेख समेत कई नामचीन लोगों ने शिरकत की, जहां दीप प्रज्वलन से इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। वहीं प्राकृतिक मेकअप की कला प्रत्यक्ष रूप से स्टेज पर दिखाई गई। मेकअप मात्र कला ही नहीं तो एक अग्रिम कौशल है, जिसे आगे बढ़ाने के उद्देश्य से मेघा कपूर द्वारा काफी प्रयास किए जा रहे हैं। सावन के सीजन में जैसे प्रकृति सुंदरता का प्रमाण देती है, वैसे ही कार्यक्रम में मेकअप के द्वारा सुंदरता का परिचय दिया गया। आज का जो इवेंट है, ये मेघा का शायद फर्स्ट इवेंट है, इतना बढ़िया इवेंट जो उसने करी है। इसके पहले कई लोगों के साथ में जॉइन होकर करी है, ये खुद शायद पहली बार कर रही है। जो सेटअप देख के ऐसा लगता है कि चीज आगे की कितनी अच्छी होगी, पूरा दिन बचा हुआ। अब मेघा की क्या तारीफ करना, मेरी बहना है वो, मेरी बहना। मेघा एक ऐसी लड़की है जो दिल से काम करती है, क्योंकि मैं उसको बहुत करीब से जानता हूँ। मैं, जोया, मेघा और अपना मोहिनी मैम, हम लोग बल्गेरिया गए थे, उसने 3 मिनट के अंदर रेडी करी। 3 मिनट बहुत कम होते मेकअप में तैयार होने को, जोया को 3 मिनट में इसलिए करी कि फाइनल का दिन था, वहाँ पर किसी को अलाउड नहीं था जाना। 3 मिनट के लिए वॉशरूम के बहाने लोग गए, 3 मिनट मेकअप करी। जब 25 लड़कियां लाइन से खड़ी थी तो जोया उसमें अलग दिख रही थी, ये हकीकत है। क्योंकि मेघा का जो मेकअप है वो दिल से है, और जितने भी स्टूडेंट को उसने पढ़ाई उनकी भी मैंने वीडियो देखा हो, उसके हर स्टूडेंट अच्छे हैं, क्योंकि वो कभी भी भेदभाव नहीं करती, वो दिल से काम करती, क्योंकि उम्र के 13 साल से कर रही है। उसको इतना नॉलेज आ गया, आज का पढ़ा लिखा कॉलेज से पढ़ के भी कोई आया ना तो इतना बढ़िया नहीं कर पाया। तो मेरी बहना के लिए एक बार जोरदार ताली बजा दो, मेघा को मानते हैं तो ताली बजाओ, वरना मत बजाओ। तो मैं चाहता हूँ मेघा से ज्यादा लोग जुड़े, आगे उसको और कॉन्ट्रेक्ट करें, और मेघा ऐसी इवेंट हर साल लेते रहे, ये हमारी दुआ है। अगली बार इससे बड़ा होए, बॉम्बे होए, दुबई होए, और अपना बल्गेरिया होए, जहाँ जहाँ उनकी सोचे। मुझे पता है कि हम लोग एक एग्जीबिशन में गए थे, वहाँ पे लंदन के स्टॉल लगा था, लंदन की कंपनी थी वो, उस कंपनी वाले जैसे मेघा को देखे, वो कंपनी के पूरा डायरेक्टर उठ गए, मेघा जी आप, एकदम उसको हग किए, और सारे उनका जो जितना भी स्टॉक था सब उसको मिलने लगे प्राइज। तो मेघा की पहचान आप देखो यहाँ से लंदन तक के, ये हकीकत मैंने अपने आंखों से देखा। थैंक यू। सौंदर्य और मेकअप का रिश्ता काफी गहरा है, जैसे फूल और खुशबू का। मेघा कपूर द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में कई प्रतिभागियों ने अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करते हुए दुल्हन के मेकअप में रैंप वॉक के जरिए अपने मेकअप का प्रदर्शन किया। इस समय पंच के रूप में मिसेज यूनिवर्स जोया सिराज शेख, प्रसिद्ध मॉडल कविता खरायात, आर्टिस्ट साहिल खान समेत बीटीपी और बीसीएन ग्रुप के संस्थापक सिराज शेख, कोमल सिन्हा, जिशान सिद्दीकी, प्रदीप मारोदकर आदि मान्यवर उपस्थित थे, जहां कार्यक्रम के दौरान प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय श्रेणी का पुरस्कार प्रतिभागियों को दिया गया। शहर के नामचीन मेकअप आर्टिस्ट में शुमार मेघा कपूर, जिन्होंने संघर्षों से अपना मुकाम हासिल किया है, जिन्होंने अभी तक काफी नामचीन कलाकारों का और सेलिब्रिटीज का मेकअप किया। कामयाबी के शिखर पर चमकता सितारा आज मेकअप आर्टिस्ट मेघा कपूर का नाम सम्मान से पुकार रहा है। नमस्ते, मैं जोया शेख, मिसेज यूनिवर्स। आज यहाँ पे मेघाज मेकओवर का एक लुक एंड लर्न सेमिनार था, वन डे। इसमें एक ब्राइडल कंपटीशन भी रखा गया था, जिसमें बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स थे। उनमें से 20 में से हम लोगों को कुछ बाहर निकालना था, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, और विनर का अनाउंसमेंट करना था। इतना आसान नहीं था ये हम जजों के लिए, बिकॉज जब ऐसे पैनल पे आते हैं तो ऑडियंस के साथ में ऐसे पार्टिसिपेंट्स को चुनकर निकालना, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और विनर जैसे रैंक पर लाना, इट्स नॉट ए ईजी थिंग। बट जब सामने वाला अपना पूरा डेडिकेशन के साथ में काम देता है तो हम लोगों को समझ में आता है कि हम लोगों को कैसे उसके साथ में
मैचअप करना है, कैसा उसने मेकअप दिया है। बिकॉज हम मैं जैसे मैं अपने अगर अपने आप को देखूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि मेकअप जो नेचुरल होना चाहिए, बिकॉज यू नो आर्टिफिशियल मेकअप कोई पसंद नहीं करता। तो हमें ऐसा लगता है कि मेकअप जो होता है एक औरत की सुंदरता का सबसे बड़ा परिधान है मेकअप। बिना मेकअप के औरतों को घूमना पसंद ही नहीं आता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि मेकअप इंडस्ट्री आज ये इंडिया में ही नहीं पूरे वर्ल्ड में मेकअप का एक अलग ही खुमार है। तो ऐसे ही मेघा कपूर ने एक शो ऑर्गेनाइज किया था जिसमें कविता खराय, समीर खान, कोमल सिन्हा, जोया शेख, जिशान सिद्दीकी, सिराज शेख और प्रदीप मारुतकर जी ऐसे लोग यहाँ पे आए हुए थे, आज उपस्थित थे, बहुत सारे स्पॉन्सर्स थे। हमारा मीडिया था, तारा न्यूज़ और NBCN ने मीडिया पार्टनरशिप दी है। तो मैं उन लोगों को थैंक यू बोलती हूँ। ऐसे शोज़ जो होते हैं उसमें कंपटीशन में उतरना ये भी सबसे बड़ी बात होती है। इस कंपटीशन का हकदार भी होना बहुत बड़ी बात है, बिकॉज यहाँ पे पार्टिसिपेंट्स होते हैं अपने इसके लिए लड़ते हैं कि यार मेरा आना चाहिए, यार मेरा आना चाहिए, उसका आना चाहिए, उसका आना चाहिए। बट खैर विनर तो कोई एक ही होगा। ओ बहुत ही अच्छा लग रहा है। आफ्टर मेनी इयर्स आई हैव कम टू नागपुर। थैंक यू जोया, थैंक यू मेगा फॉर गेटिंग मी हियर ऑन बोर्ड। और बहुत ही अच्छा लग रहा है। इट्स लाइक अ फैमिली, जोया ने मेरा इतना ख्याल रखा है एंड आई फील ग्रेटफुल। ओह द ऑडियंस वाज अमेजिंग, इट बहुत ही अच्छा लगा। सबने इतना हार्ड वर्क किया है। आई विश एवरीवन ऑल द बेस्ट, हाउ मच हार्ड वर्क दे हैव डन, सो इट शुड बी फ्रूटफुल फॉर देम। मेगा तो इंटरनेशनल मेकअप आर्टिस्ट है, जोया के साथ शी इज गॉट अस अ क्राउन। जोया थैंक यू फॉर गेटिंग अस अ क्राउन एंड उन्होंने हमें इतना प्राउड करा इंटरनेशनल लेवल में। आई एम लाइक ग्रेटफुल एंड ऑन टॉप इतना अच्छा मेकअप करती हैं वो और इतनी उनमें इतना सहज है, इतनी ठहराव है एंड इतना प्यार देती है वो सबको। एंड द वे शी डज इट इज अमेजिंग, व्हाट अ लेडी शी इज। NBCN न्यूज़ के लिए अजित कुर के साथ मनीष टेम्बरे की रिपोर्ट।